अगर हमको इंजीनियरिंग को समझना है, उसे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हमको जो अपने आसपास की चीजें हैं, अगर उससे हम इंजीनियरिंग समझें, तो बहुत ही अच्छे से हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? जो भी आपके आसपास की चीजें हैं, आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एवन आप पैदल रोड पे भी जा रहे हैं, तो जो रोड है वो भी इंजीनियर ने बनाई है, जो साइकिल है वो भी इंजीनियर ने बनाई है, एवरीथिंग। ये बड़े कपड़े डिजाइन करे गए हैं, ये भी इंजीनियर के द्वारा ही करे गए हैं। तो अगर आपको इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो मेरा एक आपको बहुत ही सिंपल सा एक आपको बहुत बोल रहा हूं कि आप अपने आसपास की जो चीजें हैं उससे इंजीनियरिंग सीखिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लाने की कैसे आप स्टेनलेस स्टील को चुंबक की मदद से, ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक की मदद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दूसरे स्टील से अलग कर सकते हैं, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि बुक में तो सीधे एक लाइन में वो दे देते हैं कि स्टेनलेस स्टील चुंबक के प्रभाव में डैश करता है, ठीक है, मगर जब तक आप उसको खुद से ट्राई नहीं करेंगे वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि स्टील क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टील क्या होता है। तो स्टील बेसिकली हम लोग बोलते हैं इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक। स्टील क्या होता है? लोहे और कार्बन की एक मिश्रित धातु होती है। जैसे जो आम बोलचाल में हम लोग हर किसी को क्या बोल देते हैं? लोहा बोल देते हैं कि ये किसका बना है? लोहे का बना है। ये किसका बना है? लोहे का बना है। ये किसका बना है? लोहे का बना है, ठीक है। आम जो बोलचाल में जनरली सब किसको लोहा बोल दिया जाता है, मगर जब हम अपने इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं, मैकेनिकल के फील्ड में आते हैं, हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर वो स्टील की बनी है, वो लोहा नहीं है। लोहे को हम प्योर फॉर्म में तो बहुत कम जगह यूज करते हैं, केवल स्पेशल पर्पसेस में, वो भी जनरली कास्ट आयरन, इस रॉड आयरन, इस तरह के नामों से आता है, ठीक है। तो स्टील क्या है? बेसिकली जब हम लोहे में कार्बन को मिला रहे हैं तब जाके हमको स्टील मिलता है। अब ये बात हमको बचपन से खेल के थ्रू या नॉर्मल से सबको पता होती है कि जो हमारा लोहा होता है उसमें जब हम चुंबक को चिपकाते हैं, ठीक है, तो वो चिपक जाता है। ये बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है, सब लोगों को पता है कि जब हम लोहे में चुंबक को चिपकाते हैं तो लोहे में चुंबक चिपक जाता है, ठीक। अब स्टील क्या है? स्टील क्या है? लोहे में हम कार्बन मिला देते हैं, जैसे ये भी एक प्रकार का स्टील है, सरिये को हम स्ट्रक्चरल स्टील के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी बेसिकली स्टील है। तो देखिए इसमें भी चुंबक हमारा चिपक रहा है, मगर अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है ये एक प्रकार का अलॉय स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। इसमें लोहे के साथ हम कार्बन तो मिलाते ही हैं, इसके अलावा हम इसमें क्रोमियम, निकेल, इस तरह के धातु भी मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि स्टील में मेन अलॉयिंग एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक। अलॉय से आप लोग परेशान ना हो, जैसे हमारा पीतल है, पीतल को अगर हमको बनाना है, पीतल हम धरती से खोद के नहीं निकालते हैं, पीतल में हम क्या करते हैं? कॉपर और जिंक, क्या बोला मैंने, तांबा और जस्ते को जब हम मिलाते हैं तो हमको पीतल मिलता है। उसी प्रकार से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको लोहे में कार्बन मिलाना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन आप समझ रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन वही वाला कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, आपको लोहे में कार्बन मिलाना पड़ेगा, प्लस कुछ खास अलॉयिंग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, मेन अलॉयिंग एलिमेंट होता है क्रोमियम, क्रोमियम मिलाते हैं 18% और 8% निकिल मिलाते हैं, तब जाके हमारा 18x8 स्टेनलेस स्टील हमको मिलता है, ठीक। मगर जब हमारा स्टील स्टेनलेस हो जाता है, स्टेनलेस का मतलब क्या है? जंगरोधकता, जब हमारा स्टील जंगरोधक बन जाता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो उसमें जंग नहीं लगता, जैसा हमको पता है कि हमारे जो आम स्टील होते हैं, देखिए जंग लगने लगा है, कुछ ही दिनों का रखा हुआ है, वो जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें जंग लगने लगता है, मगर जो हमारा स्टेनलेस स्टील है उसमें जंग नहीं लगता। तो जब हम लोहे में, जो हमारा आम स्टील है उसमें क्रोमियम और निकेल का मिक्सचर करते हैं, तो उसमें क्या है, एक तो जंगरोधकता आती है, दूसरी वो जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खो देता है, उसमें फिर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर आपको चुंबक की मदद से स्टील को पता करना है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, चुंबक लेंगे
उसको स्टेनलेस स्टील में से चिपका के देखिए, अगर वो चिपक रहा है तो वो स्टेनलेस स्टील नहीं है, और अगर वो नहीं चिपक रहा है, देखिए नहीं चिपक रहा है, तो ये स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील का मतलब जंगरोधक स्टील, जिसको आम बोलचाल में हम लोग SSB कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमारा आम स्ट्रक्चर स्टील है, इसमें देखिए चुंबक आसानी से चिपक रहा है, मगर जो हमारा स्टेनलेस स्टील की रॉड है ये, इसमें हमारा चुंबक नहीं चिपक रहा। ठीक, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जो स्टेनलेस स्टील है और जो हमारा स्ट्रक्चर स्टील है तो देखने में ही अंतर पता चल रहा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील तो देखने में अंतर पता चल जाता है ना, मगर ऐसा नहीं है। कई हमारे ऐसे धातु आते हैं, जैसा हमारी ड्रिल बिट है, ठीक है, ये ड्रिल बिट है, आप लोगों ने देखी होगी, ड्रिलिंग करते समय इसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो जो ड्रिल बिट है ये भी आपको देखने में ऐसी ही लग रही है, ठीक, मगर ये स्टेनलेस स्टील की नहीं है, ये हाई स्पीड स्टील की HSS, ये देखिए इसलिए चिपक जा रही है, ये चुंबक में चिपक जा रही है, मगर जो हमारा SS का मेटल है ये कभी भी स्टील में नहीं चिपकेगा। ठीक, अब जो हमारा SS है स्टेनलेस स्टील, हमारे घर के जितने भी बर्तन होते हैं सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं, इसलिए कई बार बचपन में जब आप अपने घर के बर्तनों में चुंबक चिपकाने का प्रयत्न करते थे तो आप नहीं चिपका पाते थे, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जहां पे हमने स्टेनलेस स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जाना कि कैसे आप एक चुंबक के माध्यम से स्टेनलेस स्टील की, असली स्टेनलेस स्टील की पहचान कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसी तरह की और भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत